हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं नैनीताल में, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में और बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। नैनीताल बहुत ही इजी होता है दिल्ली वगैरह से आना, क्योंकि लगभग 300-350 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है और वीकेंड में आप यहां पर आ सकते हैं। लेकिन आप यहां पे कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे आपको यहां पे घूमना होगा, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और क्या यहां पे खर्चा आएगा और साथ ही साथ क्या आइटनरी आपके लिए हो सकती है, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए नैनीताल। नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और यहाँ दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ से डायरेक्ट ट्रेन्स भी मिल जाती है। साथ ही दिल्ली से यहाँ के लिए बस की भी सुविधा है, जिससे 8 से 9 घंटे में आप नैनीताल पहुँच जाएंगे। नियर बाय एयरपोर्ट पंतनगर का है, पर यहाँ फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कम है। नैनीताल में मैं पहुंच चुका हूं और नैनीताल की खास बात ये है कि जैसे ही आप यहां पर आते हैं तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा आई लव नैनीताल, और उसके बाद आपको यहां का पूरा जो लेक का व्यू है वो आप देख सकते हैं। ये इधर से पूरा आपको बोटिंग करते हुए लोग दिख जाएंगे और यहीं पर बोटिंग के लिए भी पॉइंट्स स्टार्ट से ही शुरू हो जाते हैं। और बाकी अगर इधर आप नज़र दौड़ाएंगे तो इस रास्ते से आप नैनीताल में एंटर करते हैं और ये वाला जो है रोड, वहाँ पे आप खाने पीना के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है। बाकी ये बस स्टैंड है और इधर एक साइड बैक साइड में भी बस स्टैंड आपको दिख जाएगा। और बाकी यहाँ पर फिर आप आएंगे तो यहाँ पर कई सारी घूमने की प्लेसेस है और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये एक लेक दिखेगा और नीचे तैरती हुई मछलियाँ भी यहीं पर दिख जाएगी। क्योंकि यहाँ आते ही सबसे पहले लेक दिख जाती है तो आप नैनीताल में ट्रिप की शुरुआत नैनी लेक में बोटिंग से कर सकते हैं। नैनीताल की लेक में बोटिंग जरूर करें और यहाँ का जो रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी तरह से फिक्स्ड है और आप देख रहे हैं एक चक्कर अगर आप लगाते हैं तो 210 रुपये लगेगा और आधा चक्कर लगाएंगे तो 160 रुपीज़ लगेगा। तो आप फुल चक्कर ही लगाएं, मतलब सस्ता वही पड़ रहा है आपके लिए। और उसमें बैठ सकते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं भैया? तीन लोग बैठ सकते हैं एक बोट में, और काफ़ी मतलब सस्ता ही कहा जाएगा क्योंकि लगभग 100 रुपये से भी कम एक पर्सन पे खर्चा आएगा। तो इसका मज़ा ज़रूर लें और मैं भी वही करने जा रहा हूँ। नैनीताल में वैसे तो अभी धूप थी पर यहाँ मॉनसून में यही लेक बिल्कुल अलग दिखाई देती है और इवनिंग में भी अलग कलर्स होते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर नैनीताल में बोटिंग। मैं नहीं चला रहा हूँ चप्पू, लेकिन यहाँ पर आप बस आराम से बैठें और इन वादियों में खो जाएं, बहुत ही मजा आएगा। आप चाहे सुबह करें ये एक्टिविटी, चाहे शाम में करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और पूरे नैनीताल का व्यू आप एक नज़र में अपनी आंखों में समेट लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये एक्सपीरियंस होता है और नैनीताल आए हैं तो बोटिंग ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और जेन्युइन प्राइस में आपको काफ़ी मज़ा इसमें आएगा। नैनीताल की खास बात ये है कि यहाँ सभी प्लेसेस आसपास में ही हैं, जहाँ आप पैदल ही घूम सकते हैं, पर आप यहाँ 500 से 600 रुपए में स्कूटी हायर करके भी घूम सकते हैं, जो आपको यहाँ कई जगहों पर आसानी से मिल जाएगी। और अब मैं बढ़ा यहाँ के नैना देवी मंदिर की ओर।
नैना देवी टेम्पल के बाहर आपको काफी सारी यहाँ पे दुकानें भी दिखेंगी जहाँ पर आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ी तिब्बतन मार्केट दिखेगी। और ये आप देख रहे होंगे इधर पूरी जैकेट्स की मार्केट है, अंधेरा है शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन पूरी जैकेट्स की मार्केट है। और बाकी यहाँ खाने पीने की पूरा एक तरह से फूड प्लाजा कह सकते हैं, प्योर वेजिटेरियन अगर है तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। प्राइस की बात की जाए तो एवरेज है, बहुत ज़्यादा ना महंगा है ना बहुत सस्ता है। बाकी इधर नैना देवी का टेम्पल है, यहाँ पे एक गुरुद्वारा है और इसके बैक साइड में यहाँ पीछे मस्जिद भी है। नैना देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर भगवान शिव जब सती का मृत शरीर लेकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर सती की आंखें गिरी थी और तब यहाँ नैना देवी के शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो अभी आ चुका हूँ मैं नैना देवी टेम्पल में और ये टेम्पल मेरी फेवरेट प्लेस है नैनीताल में, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पर है और बहुत ही प्यारी ये टेम्पल भी लगती है। और जब भी यहाँ पर मैं आता हूँ नैनीताल, मतलब मुझे लगता है 5 से 6 बार आ चुका हूँ, और जब भी आता हूँ मैं यहाँ पर दर्शन ज़रूर करता हूँ, मतलब मेरी फेवरेट प्लेस है। और अगर आप आएंगे तो आपकी भी फेवरेट ये प्लेस बन जाएगी। नैनीताल में आपको होटल मॉल रोड के आसपास में ही लेना चाहिए और होटल एडवांस में बुक करवा कर रखें क्योंकि पीक सीजन में यहाँ पर काफी रश होता है। आप चाहे तो जू रोड या और कहीं पर भी होटल ले सकते हैं पर आपको काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, इसलिए बुक करते समय लोकेशन का ध्यान रखें। वैसे मैंने इस बार अलग एक्सपीरियंस के लिए नैनीताल से 18 किलोमीटर पहले ही ज्योलीकोट में कैंप बुक किया था। तो यहाँ पर जो कैंप्स हैं, जो टेंट हैं, उनके रूम कैसे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके रेट्स भी बताता हूँ। पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि कैसे हैं। कई सारे यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे लाइन से बने हुए हैं, इसके अलावा ऊपर भी है। और ये जो मेरा वाला है इसमें आते हैं तो ये आप देखेंगे, ये 4 लोगों का बेड यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी चेयर वगैरह हैं। और अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये वॉशरूम भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, बनाया गया है, और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है आपको दिखेगा यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1850 रुपीज़ पर पर्सन, और इसमें आपका इंक्लूड क्या होता है, आपका इंक्लूड होता है ब्रेकफास्ट और डिनर। तो अगर आप शांत माहौल ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये प्लेस है। और अगर आप कपल हैं और ब्रेकफास्ट या डिनर नहीं लेना चाहते हैं तो आप 2500 पे कर सकते हैं, और अगर 4 लोग हैं तो आप 1500 पर पर्सन में यहाँ पर रुक सकते हैं और उसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर भी मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी आपको सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी, और रुकने में भी काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पूरा ये गार्डन है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर और भी रिनोवेशन हो जाएगा तो और भी यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, मज़ा आएगा स्टे करने में। साथ ही यहाँ पे कैफ़े भी बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के चिल आउट कर सकते हैं, म्यूज़िक व्यूज़िक सुन सकते हैं। शाम को जब म्यूज़िक वगैरह चलता है, गिटार वगैरह सब रखा है, तो आप बस बैठ के आराम से इस मोमेंट को यहाँ पर बहुत मज़े के साथ बिता सकते हैं। नैनीताल में इसके बाद मैं केव गार्डन गया। केव गार्डन की जो एंट्री फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 100 रुपये पर पर्सन है, और मैं पहले भी आ चुका हूँ, पहले कम हुआ करती थी, 50 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब 100 रुपये हो चुकी है तो काफ़ी बढ़ चुकी है। बाय द वे आपको दिखाना है, मैं जा रहा हूँ फिर से। दो केव गार्डन के अंदर आते ही आपको केव्स में होने की फीलिंग आने लगेगी और ये प्लेस फर्स्ट टाइम आने वाले के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग भी रहती है। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ टाइगर केव में और आपको टाइगर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी जो कि आर्टिफिशियल है यहाँ पे, और गुफा की शुरुआत यहाँ से हो गई। इसी तरह यहाँ पर छोटे बड़े कई सारे गुफाएं हैं, मतलब आई थिंक 6 गुफाएं हैं,
और ये आप देखेंगे यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है गुफा की। यहाँ पर अपना सर ज़रूर बचा के चले, और आप अंदर आपको काफ़ी अंधेरा भी देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से चले। और कुछ गुफाएं बहुत बड़ी हैं तो कुछ गुफाएं बहुत सकरी भी है। अभी ये बड़ा पोर्शन दिख रहा है, लेकिन जब आप अंदर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफी सकरा गुफा दिखेगा। केव गार्डन में कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज के भी ऑप्शन हैं और कुछ फूड शॉप्स भी हैं। साथ ही बच्चों को ये प्लेस पसंद आ सकती है, पर टिकट प्राइस के हिसाब से केव गार्डन बहुत ज्यादा तो वर्थफुल नहीं है। फिर भी पहली बार नैनीताल आए हैं तो इसे घूम कर ही जाएं। नैनीताल में आप अगर अपनी टंकी स्कूटी की फुल करा लेते हैं, अगर लोकल प्लेस कराना है तब तो आप 200 रुपए का भी पेट्रोल भरवा लेंगे, लोकल प्लेसेस कवर कर सकते हैं। अगर थोड़ा दूर दूर तक जाना है तो टंकी फुल करवाएं और लेक वेक टूर भी कर लें पूरा का पूरा, उतने में आपका हो जाएगा। नैनीताल में सस्ते और देसी टेस्ट के लिए आप बस स्टैंड के बगल वाली गली में जाकर अपना लंच या डिनर कर सकते हैं। तो इस गली में आकर यहाँ पर आपको कई दुकानें खाने पीने की दिखेगी, और मैंने यहाँ पे खाया है टोटल 220 रुपए में, दो लोग खा लिए हैं जिसमें चार रोटी राजमा और राजमा राइस भी, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी थी, वो हो गई है। और इस गली में आपको कई सारी दुकानें मिल जाएंगी, बाकी रेट्स वगैरह भी बहुत जेन्युइन मिलेंगे। इसके अलावा नैनीताल में हाई कोर्ट के पास भी कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप टेस्टी फूड्स के साथ भी अपने पैसे सेव कर सकते हैं। हो जाता है ये गजब बना है, आप लोग यहां जरूर आना पराठा। क्या दुकान का नाम है यहां का? रेस्टोरेंट, सॉरी मित्रों का रेस्टोरेंट। मित्रों का रेस्टोरेंट, फ्रेंड्स रेस्टोरेंट, वाह क्या बात है। और जब केव गार्डन आप जाएंगे तो हाई कोर्ट के सामने ही आपको दिख जाएगा, तो एक बार जरूर आए और यहाँ पर खाएं, मजा आएगा आपको। और किचन में आके थोड़ा सा इनके साथ व्लॉगिंग भी करें, मजेदार है। जिंदगी की असली वजह तो यही ले रही है, इस लड़की की वजह से मेरे पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं। इतना खा रही है मतलब हद्दू होती है। सुबह से चार पराठे अभी खा गई है, चाय दो कप पी है, दो कौन पीता है यार, और बन मस्का, चलो ठीक है तीन बन मस्का खाई अकेले, हद है यार। ये तो अच्छा है सस्ते रेस्टोरेंट में इसको लाता हूँ, अब में काम हो जाता है, हद है। कम करो डाइट, बॉडी देखो अपनी, हम हेल्दी वेल्दी बच्चे हैं, हेल्दी नहीं हो फुल रही हो, हम हेल्दी बच्चे हैं। कोई भी अगर किसी को भी लगता है कि मैं मोटी हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं मोटी हूँ या नहीं हूँ। मजा आएगा, अब तो मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब दुनिया प्रूव करेगी हाँ आपको गलत, एग्जैक्टली देखते हैं मैं मोटी नहीं, लेट्स सी। नैना देवी मंदिर के पास में ही आपको प्यारा सा फुटबॉल ग्राउंड भी देखने को मिलेगा, और यहीं पर मॉल रोड की मार्केट भी है जहां आप शॉपिंग कर सकते हैं और फूड शॉप्स भी है, पर ये जगह आपकी जेब पर थोड़ी सी भारी पड़ेगी, लेकिन आप यहां पर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। मॉल रोड लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी है, तो आप यहां पर 30 से 40 रुपए में रिक्शा करके भी घूम सकते हैं। मॉल रोड से मैं सीधे पहुंचा नैनीताल के राजभवन में। तो पीछे जो आप देख रहे हैं ये है गवर्नर हाउस यानी कि राजभवन, और यहाँ पर अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर का नहीं दिखा सकता हूँ। अंदर बेसिकली म्यूजियम है और गाइडेड टूर होता है तो आपको सब दिखाया जाएगा प्रॉपरली, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी धूप और गार्डन इतना ग्रीन सा दिखेगा कि मन खुश हो जाएगा। और ये पूरा दूर दूर तक देखेंगे आप, इधर गार्डन है और ये राजभवन है, काफ़ी अच्छा सा है, और यहाँ पर तो ज़रूर आए। राजभवन को गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर कभी कभी गवर्नर भी रुकने के लिए आते हैं। गवर्नर हाउस का निर्माण इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस की तर्ज पर किया गया था, जिसमें 113 कमरे हैं, और इस बिल्डिंग के अंदर आपको 5 से 10 मिनट का गाइडेड टूर भी कराया जाता है।
बहुत साल पहले एक मूवी आई थी कोई मिल गया, और उसमें था जादू जो कि एलियन था, और उसकी जो स्पेस शिप थी वो यहीं पर लैंड हुई थी, बेसिकली यहाँ पे शूटिंग हुई थी उस पर्टिकुलर सीन की। और ये देख रहे होंगे पूरा ये गोल्फ कोर्स है एक्चुअली, और राजभवन बहुत ही सुंदर और शांत प्लेस है। ये मेरे हिसाब से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ नहीं आते हैं, पर बहुत ही ये मस्ट विजिट प्लेस है, आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे ये जो गार्डन आप देख रहे होंगे, ग्रीनरी ही अलग टाइप की यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे अभी राजभवन साइड में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी पूरा जो बिल्डिंग है और अंदर म्यूज़ियम है, और केवल 50 रुपीज़ की एंट्री फीस है। टाइमिंग जो है वो है 11, 12, 1, 2, 3 हर घंटे होती है, मतलब जब भी आप आएँ तो 10:40-50 पे, मतलब 10 मिनट पहले आ जाएँ, तो 3 बजे तक लास्ट एंट्री होती है, और उसके पहले पहले तक आ जाए तो आपका गाइडेड टूर हो जाएगा 50 रुपये में ही, और म्यूज़ियम वगैरह भी है यहाँ पे, तो देखेंगे तो ये वर्थफुल प्लेस आपको लगेगी। नैनीताल के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ की और भी कई प्लेसेस के साथ ट्रैक और यहाँ का लेक टूर कराऊंगा, और यहाँ पर घूमने के खर्च के साथ आइटनरी भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, और वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।